नमस्कार आदाब, आपका स्वागत है न्यूज क्लिक में। आज हम चर्चा करने वाले हैं 50,000 करोड़ के एक कॉर्पोरेट स्कैम के बारे में, जिसे चिटफंड स्कैम का भी नाम दिया गया है। इस विषय में हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं सीपी यादव जी। सर, शुक्रिया आपका कि आप यहाँ आए। सर एक राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और एक प्रोफेसर भी हैं राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। तो सर, ये इतना बड़ा स्कैम जो कि आज एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है, क्योंकि जनरल इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट इश्यू बनकर के आ रहा है आगे। एक धरना जो है वो दिल्ली में दिया जाएगा, 30 जनवरी से लेकर के 9 जनवरी तक को एक धरने की कॉल भी दी गई है, जिसमें कि चिटफंड स्कैम के जो सर्वाइवर्स हैं, जिनके इश्यूज हैं, वो लोग भी दिल्ली में आएंगे और अपने अनुभवों को शेयर करेंगे। और सर, आप जो हैं एक काफ़ी इस मूवमेंट के फोरफ्रंट पे भी रहे हैं और आप लोग आपने काफ़ी काम भी किया है लोगों के साथ जुड़ करके, तो एक तरह से स्कैम के बारे में भी बताइए। स्कैम क्या था और किस तरह के इम्पोर्टेंट इश्यूज जो निकल करके आ रहे हैं स्कैम की वजह से, उस पर चर्चा कीजिए प्लीज़। हाँ सुमेधा जी, ये जो 50,000 करोड़ रुपए का एक कॉरपोरेट स्कैम की जो चर्चा कर रहे हैं, वो सिर्फ एक स्कैम है चिटफंड कंपनी, जिसको हम PACL का नाम दे रहे हैं। अगर इस देश में सारी चिटफंड कंपनियों को अगर आप इंक्लूड कर लो, तो लगभग 350 चिटफंड कंपनियां हैं जिनका आप आकलन नहीं कर सकते कि इस देश में किस तरह से एक ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक ढंग से गरीबों को लूटने की एक रणनीति बनाई जाती है। मैं सुमेधा जी मूलतः किसान मूवमेंट में था, मुझे नहीं पता था इस देश में इतनी छुपी हुई चीज़ें भी है कि किस तरह से लूटा जाता है, और जिनको लूटा जाता है वो लड़ाई लड़ने के योग्य भी नहीं होते, क्योंकि बेसिकली वो बहुत गरीब लोग होते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता कि इस कानून के रास्ते क्या होते हैं। जिस कॉरपोरेट स्कीम की हम बात कर रहे हैं, वो मूलतः PACL कंपनी के कॉरपोरेट स्कीम की बात कर रहे हैं। ये कंपनी 1982 में रजिस्टर्ड थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। 17 सालों तक इस कंपनी ने बहुत सही ढंग से काम किया है। हाईकोर्ट ने 2003 में इस कंपनी के पक्ष में फैसला दिया था, लेकिन जब NDA गवर्नमेंट आई तो बहुत चालाकी से जो है सेबी के माध्यम से इस कंपनी के व्यापार को बंद कर दिया गया और ये कहा गया कि 3 महीने में निवेशकों की पैसा लौटाया जाए। इसके अगेंस्ट में ये कंपनी जो है सुप्रीम कोर्ट जाती है और एक संगठन बनता है, ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, अगस्त 2015 में। ये संगठन भी सुप्रीम कोर्ट में केवियट दायर करके सुप्रीम कोर्ट जाता है, और सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी 2016 को एक डिसीजन देता है जिसमें ये कहता है कि इस कंपनी की जितनी भी असेट्स है उनको नीलाम करके 6 माह के भीतर भीतर निवेशकों का पैसा लौटा दिया जाए। अब आप देखिए कि गरीब लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, 6 महीने में पैसा लौटाना था। सेबी इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी थी, RM लोडा कमेटी की निर्देशन में ये काम होना था, और आप देखिए आज 3 साल हो गई, इन निवेशकों ने, इन गरीब लोगों ने कहां कहां प्रदर्शन नहीं किया, क्या नहीं किया होगा, और गवर्नमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को एग्जीक्यूट नहीं कर रही है। इससे बड़ी विडंबना कुछ नहीं हो सकती। ये तो एक इकाई थी जहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले ये लड़ाई लड़ी गई, लेकिन मैं जब इस पूरे इश्यू में गया तो लगभग 300 कंपनियां ऐसी हैं, छोटी छोटी कंपनियां, जिनमें इस देश का केवल, जैसे हम PACL में देखें तो लगभग 6 करोड़ फैमिलीज इन्वॉल्व है। अगर हम अन्य चिटफंड कंपनियों को देखें तो लगभग 10 से 12 करोड़ फैमिलीज को शोषण हुआ है, उनका पैसा लगा है, उनकी प्रॉपर्टी का, उनका पैसों का कोई आंकलन नहीं है कि ये 2 लाख करोड़ है, 4 लाख करोड़ रुपए है, कितने करोड़ों रुपए। आप किसे कहते हैं 2 लाख करोड़, 4 लाख करोड़? मुझे लगता है ये बहुत बड़ा गणित होता है। भारत सरकार के बजट का 1/4 हिस्सा लगभग होता है जिस जो आज ये कॉरपोरेट कंपनियां लूट के भग रही है। आज मेहुल चौकसी, नीरव मोदी जो पैसा लूट के ले जा रहे हैं, वो 10,000 करोड़, मतलब एक छोटी सी रकम होती है जिसके लिए हम बवाल मचाते हैं। आज राफेल का इशू, जिसे एक बहुत बड़ा घोटाला सरकार कर रही है, वो उसमें 36,000 करोड़ रुपये की तो एक खरीद थी, लेकिन ये तो गरीबों का पैसा लूटा गया है, जिसमें गरीबों से पैसा लिया जाता था, मल्टी लेवल मार्केटिंग के तहत ये कंपनियां बिजनेस करती थी, और फिर इन्हें लीगल इश्यूज में फंसा करके गरीबों का पैसा हड़प लिया जाता है। तो इसी बात पे थोड़ा सा अगर हम हमारे दर्शकों के लिए अगर आप समझा पाएं कि चिट फंड्स जो हैं वो किस तरह से काम करते हैं, गरीब लोगों को किस तरह से रुझाया गया इन स्कीम्स में, और किस किस तरह का इसका ऑपरेशंस एक तरह से है। देखिए, एक तो जब हम नाम लेते हैं चिटफंड, इसका मतलब कोई फ्रॉड नहीं होता। बिल्कुल। जब कोई भी चीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रजिस्टर्ड हो जाए, नंबर 1, नंबर 2,
गवर्नमेंट द्वारा हर साल उसकी ऑडिट हो और ऑडिट के बाद में उसको अप्रूवल दी जाती है। नंबर तीन, गवर्नमेंट उससे टैक्स लेती है। मतलब तीनों जब चीज़ें कर रही है तो सारी की सारी लाइबिलिटीज गवर्नमेंट की होती है। इसलिए किसी भी चिटफंड कंपनी में अगर ये तीनों चीज़ें सही हो रही है, इसका मतलब गलत नहीं है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल। जब आज आप और हम कहीं पैसा बैंक में रखते हैं तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या जो बिलीव होता है वो गवर्नमेंट पर रहता है। अब चूंकि ये गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाइड होती है, गवर्नमेंट इन्हें बिजनेस की छूट देती है, उसके बाद में ये जो चिटफंड कंपनियां हैं वो मूलतः थोड़ा सा लालच ज़्यादा देती है मल्टी लेवल मार्केटिंग के तहत, जिसे हम LMM कहते हैं, और उसके तहत लालच ज़्यादा देती है तो उसमें गरीब व्यक्ति फंसता है। जब मल्टी लेवल मार्केटिंग में होता है तो जब सीरीज वाइज ये सिस्टम चलता है और उसमें जो एजेंट होते हैं वो अपने नीचे कुछ लोगों को जोड़ेंगे, उसके नीचे कुछ लोगों को जोड़ेंगे, और उसमें जो पैसा आता है वो उनके रिश्तेदारों का, जो उसकी नियरेस्ट सोसाइटी है वहाँ के लोगों का, दोस्तों का, इस तरह से आता है। इसीलिए ये जो इश्यू बन रहा है वो केवल और केवल कॉरपोरेट स्कीम का ही नहीं है। एक एजेंट जिसको रोज़गार दिया और जब ये कंपनी बंद हो गई तो उसका सोसाइटी में बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। और सुमेधा जी, जब मैंने बहुत सारी रिपोर्ट ली तो पता लगा कि अब तक 250 से 300 लोगों ने केवल सुसाइड कर लिया, जो तो नोटिसेबल है। पता नहीं कितने घरों में कितने लोगों ने सुसाइड किया होगा, क्योंकि वो सोसाइटी में बाहर नहीं जा सकते। बाहर जाते हैं तो जिनका पैसा लगा है उन लोगों को ये लगता है कि पैसा जो लगाया गया वो हमने इस व्यक्ति को दिया, वो उस कंपनी को नहीं जानते। बेसिकली ये विश्वास पे चलता है। तो होता क्या है कि उस व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का वॉयलेंस हो रहा है। एक रजिस्टर्ड कंपनी में जब उसने काम किया तो उसका प्रोटेक्शन करना गवर्नमेंट का काम था, उसका केस लड़ना गवर्नमेंट का काम था, उसको जस्टिस दिलाना गवर्नमेंट का काम था, और अब उसे ये कहते हुए कि आपने ये क्यों किया तो फिर ये गलत है। आपने, हम ये कहते हैं कि आपने सर्टिफाइड क्यों किया, आपने रजिस्ट्रेशन क्यों दिया, आप उसकी ऑडिट में अगर वो गलत है तो फर्स्ट ईयर ही उसे क्यों रिजेक्ट नहीं करें, आप उससे हजारों करोड़ रुपए गवर्नमेंट टैक्स क्यों ले रही है। इसका मतलब वो सारे काम जो लीगल प्रोसीजर में हो रहे थे वो एक स्तर तक तो आपकी पॉलिटिकल संरक्षण में ठीक चल रहा था, और बाद में ये लगता है कि नहीं नहीं ये काम सही नहीं है, या ये लगता है बहुत सारा पैसा आ गया है। जब बहुत मैनेज्ड तरीके से पूरी की पूरी लूट को एक लीगल इश्यूज में फंसा दिया जाता है। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन की आप बात करें तो थोड़ा सा और उस पर आप चर्चा करके बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कंपनी की जितनी भी असेट्स है उनको सीज करे सेबी लोडा कमेटी की निर्देशन में। ऐसा हुआ भी, और कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लगभग 3 लाख के आसपास असेट्स मिली, जिनकी टोटल वैल्यू जो थी वो 1.86 लाख करोड़ रुपए थी। आप देखिए, निवेशकों का पैसा था 49,000 करोड़, कंपनी की जो आज की टाइम में जो वैल्यू है DLC रेट पे, क्योंकि ये कंपनी बेसिकली लैंड में इन्वेस्ट करती है और फिर उसे डेवलप करने का काम था, वो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए है। अभी सेबी का एक नोटिस आया जिसमें ये रिपोर्ट आई है कि 13,000 नई असेट्स डिस्कवर हुई है। अगर मान लीजिए कि हम सेबी की रिपोर्ट को भी मान लेते हैं तो लगभग 4 गुना पैसा है कंपनी के पास। और अकॉर्डिंग टू लीगल तो ये जो जितना भी पैसा है, और ये जब कंपनी बंद हो गई तो इस पर पूरा का पूरा निवेशकों का या इन गरीब परिवारों का अधिकार बनता है। फिर भी गरीब परिवार ज़्यादा बड़ी मांग नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं हमारा पैसा जो मूल रूप से लगा और जो मैच्योरिटी पे हमको जितना पैसा मिलना चाहिए था वो दे दीजिए, बाकी का गवर्नमेंट ले। इसीलिए 2 फरवरी का जो बड़ा हेजिटेशन रखा है, बहुत बड़ा, हम इसको रूप दे रहे हैं गवर्नमेंट के कान खोलेंगे और हम पॉलिटिकल रूप भी देंगे कि पहले भुगतान फिर मतदान, एक स्लोगन हमने दिया है। और पूरे देश में घर घर पर हम वॉल पेंटिंग करवा रहे हैं, ये पहले भुगतान फिर मतदान, और इस माध्यम से एक पूरा जन अभियान बना रहे हैं। और अब जन अभियान हम इसलिए भी बना रहे हैं कि केवल मुद्दा PACL का नहीं है, मुद्दा इस देश की लूट का है। इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि पीड़ित लोग ही नहीं, देश का आम नागरिक जिसका पैसा नहीं लगा है, क्या वो ये चाहता है कि इस व्यवस्था में इस तरह की व्यवस्था हो जिसमें एक लूट की सिस्टम इन्होंने डिजाइन कर रखा है। इसलिए केवल पीड़ित परिवारों की लड़ाई न बना करके इसको पूरे देश के नागरिकों का एक इश्यू बनाया जा रहा है। तो किस तरह से एक 50,000 और उससे भी ज्यादा एक कॉरपोरेट लूट को अब एक राजनीतिक और एक जन इशू जो है बनकर हमारे सामने आ रहा है, तो इस बात पर विस्तार से चर्चा करने के लिए और हमें पूरा ये इशू समझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक भी समझ पाए होंगे इसका स्तर कितना बड़ा है, और ये इंटरव्यू देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।